नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। शनि ग्रह के बारे में पुराणों में बहुत सारी बातें लिखी हैं। शनि देव को सूर्य देव का सबसे बड़ा पुत्र और कर्म फल दाता माना गया है। ज्योतिषी शनि को पितृ शत्रु भी कहते हैं। इन्हें मारक कहा जाता है, अशुभ फलदाता और दुख के कारक कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में तो साहब इन्हें सैटर्न यानी शैतान कहा जाता है, लेकिन शनिदेव उतने अशुभ नहीं है जितना उन्हें माना जाता है। शनिदेव का मानव जीवन पर बहुत ही गंभीर असर है। शनिदेव कर्म फल और न्याय के देवता माने जाते हैं। वे इसलिए कि उन्होंने अपने उपासकों को कठिनाई और परिश्रम के माध्यम से सिखाने का बेड़ा उठा रखा है। शनिदेव सच्चे गुरु की तरह अनुभवों के माध्यम से सिखाते हैं। इसके अलावा शनिदेव मोक्ष के कारक कहे जाते हैं। शनिदेव प्रकृति में संतुलन पैदा करने का काम करते हैं और वह हर प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं। कहा जाता है कि यदि आप शनिदेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन के दुख कम हो जाते हैं। विद्वानों का मानना है कि यदि आप शनि अमावस्या वाले दिन शनिदेव की उपासना करते हैं तो इसका आपको बहुत लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में शनि जयंती या शनि जन्मोत्सव कब है। इसकी शुरुआत 18 मई 9:43 रात के समय में होती है। यह तिथि 19 मई 9:21 रात तक चलेगी, लेकिन ज्योतिष पंचांग के अनुसार उदया तिथि 19 मई को है, इसीलिए हम जन्मोत्सव 19 मई को ही मनाएंगे। उसी दिन सारे उपाय भी करने हैं जो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। दोस्तों, कई बार लोग ये पूछते हैं कि तिथियाँ दो दिन में क्यों आ जाती हैं या अलग अलग क्यों हो जाती है। मुहूर्त भी कहीं दूसरी जगह कुछ और होता है और दूसरी जगह कुछ और होता है। इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, यदि आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। इससे आपको मुहूर्त के विषय में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम शनि देव को समझ लेते हैं। फलित ज्योतिष में शनि देव को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे धीरे चलने के कारण इन्हें मंदगामी, भगवान सूर्य का पुत्र होने के कारण सूर्यपुत्र, शनिश्चर यानी धीरे शनै शनै चलने वाले को शनिश्चर, और माता छाया के पुत्र होने के कारण छायापुत्र कहा जाता है। शनि के तीन अपने नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र जो बड़ा ही लाभकारी नक्षत्र होता है, लोग बहुत सारे प्रयोग रवि पुष्य गुरु पुष्य नक्षत्र को करते हैं, दूसरा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र और तीसरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। इनकी दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। यह तुला राशि में 20 अंश पर परमोच्च होते हैं यानी उच्च के माने जाते हैं, और मेष राशि में 20 अंश पर परम निच माने जाते हैं। नीलम शनि का रत्न है। शनि की तीसरी सातवीं और दसवीं दृष्टि मानी जाती है। यह 29.5 वर्ष में सूर्य का लगभग एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। शनि देव सूर्य चंद्र और मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि शुक्र और बुध को अपना मित्र मानते हैं तथा गुरु को सम मानते हैं। शारीरिक रोगों में शनि को वायु विकार यानी के वात रोगों पर आधिपत्य प्राप्त है। कपकपी जिसे पार्किंसन की समस्या होती है वह भी शनि देव द्वारा दी जाती है। हड्डियों तथा दांत संबंधित दिक्कतें भी शनि देव द्वारा दी जाती हैं। इसलिए बुढ़ापे में होने वाली ज्यादातर बीमारियां शनि देव के आधिपत्य में आती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था, जो अभी 19 मई को आने वाली है। हालांकि कुछ एक ग्रंथों में शनि देव को भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना जाता है, लेकिन ज्यादातर विद्वान जेठ मास वाली ही अमावस्या को मान्यता देते हैं। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग इसे ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। चलिए आइए जानते हैं शनिदेव महाराज की कथा क्या है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता छाया है। इनकी माता को संवर्णा भी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देव से किया गया। राजा दक्ष पूरे पौराणिक काल में सबसे ज्यादा कन्याओं के पिता हैं, जिन्होंने चंद्र से अपनी 27 कन्याओं का विवाह कराया। भृगु ऋषि जिनके दामाद थे, माता लक्ष्मी को भी इन्हीं की पुत्री बताया जाता है, और भगवान शिव तथा माता सती को कौन भूल सकता है। विवाह के उपरांत संज्ञा सूर्य देव के तेज से जली जा रही थी। वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने के बारे में सोचने लगी और उन्होंने विचार किया कि वह जाकर कहीं तप करेंगी। उन्होंने अपनी छाया रूपी संवर्णा को
सूर्य देव की सेवा में छोड़कर अपने पिता के घर जाने का निर्णय लिया। जब वे पिता के घर पहुंची, तो पिता ने उन्हें कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, अपने पति के पास पुनः वापस जाओ, परंतु वह कहीं और तप करने चली गई। इधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं था कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं बल्कि संवर्णा है। संवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जितनी तेज धूप होगी उतनी तेज छाया भी होगी, यानी उतनी ही गहरी छाया होगी। सूर्यदेव और संवर्णा के संयोग से मनु, शनिदेव और भद्रा यानी तप्ती तीन संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए, तो उस समय छाया माता भगवान शिव का कठोर तपस्या करती थी। भूख, प्यास और गर्मी सहन करने के कारण छाया के गर्भ में पल रही संतान शनिदेव का रंग सांवला हुआ, जिसे देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह मेरा पुत्र नहीं है और उन्हें छाया पर संदेह हुआ तथा उन्होंने छाया को अपमानित भी किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में आ गई थी, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को देखा और सूर्यदेव ही उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अपनी इस दशा को देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी, तब जाकर उनका असली रूप वापस आया। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। शनिदेव उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं। शनिदेव न्याय के देवता है, यही वजह है कि भगवान शिव ने शनिदेव को नवग्रहों का न्यायाधीश घोषित किया है। मगर इनके अलावा कुछ और देवता हैं जिनकी पूजा करने पर शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले देवता है भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव उनके आराध्य हैं, उनकी माता के आराध्य भी हैं और भगवान शिव के कारण ही उन्हें यह शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। इसलिए भगवान शिव की उपासना करने पर शनिदेव के दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ते हैं। दूसरे देवता है हनुमान जी। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया है। उन्होंने शनिदेव को आजाद करा दिया। तब शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, उस पर उनकी विशेष कृपा रहेगी। इसीलिए बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और जो लोग शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है। एक और घटना के अनुसार हनुमान जी किसी श्री राम कार्य में व्यस्त थे। शनिदेव को शरारत सूझी और उनके कार्य में विघ्न डालने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को चेतावनी दी, पर वह नहीं माने। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया और पूरे समय उन्हें घसीटते रहे। उन्हें काफी चोट लग गई। जब राम कार्य समाप्त हुआ, तब हनुमान जी ने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और हनुमान जी ने उनके शरीर पर चोटें देखकर उनके पूरे शरीर पर तेल लगाया, जिससे उन्हें उनकी जलन में आराम मिला। उसके बाद शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। आज भी कहा जाता है कि यदि आपको शनिदेव के प्रकोप से बचना है, तो शनिदेव पर तेल चढ़ाएं। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आम आदमी के लिए कथाओं के माध्यम से ये बताया गया कि शनिदेव का उपाय कैसे करना है। एक और पौराणिक कथा बताता हूँ, जिसके अंदर आपको एक और उपाय मिलेगा। शनि महाराज भगवान सूर्य और उनकी दूसरी पत्नी छाया के पुत्र हैं। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में सूर्य देव ने शनि महाराज को श्राप दे दिया और सूर्य देव ने उन्हें घर से निकाल दिया। सूर्य देव को मनाने के लिए शनि देव ने तिल से अपने पिता सूर्य की पूजा की और वह प्रसन्न हो गए। इस घटना के बाद तिल से शनि देव की उपासना की जाती है, इससे उनके पिता सूर्य देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से भी शनि देव कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते थे। मान्यता है कि अपने इष्ट के दर्शन के लिए शनि देव एक बार कोकिला वन में तपस्या की थी। शनि देव के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तब से शनि देव ने कहा कि अब से जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। एक और मान्यता के अनुसार पिप्पलाद मुनि हुए, जो महर्षि दधीचि के पुत्र थे। उनकी माता 3 वर्ष की उम्र में उन्हें पीपल के कोटर में छोड़कर स्वयं दधीचि के साथ चिता में सती हो गई। महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का तो बलिदान हो गया, किंतु पीपल की कोटर में पड़ा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प रहा था,
तब उसने पीपल के गोंद यानी उसके फल को खाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में पड़े हुए बच्चे को देखकर उसका परिचय पूछा। बालक को पता नहीं था कि वह कौन है। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि महर्षि दधीचि के पुत्र हो तुम। उसके बाद उसे अपना परिचय पता चला और यह भी पता चला कि शनि देव की महादशा होने के कारण उनके माता पिता का बलिदान हुआ था। महर्षि नारद ने पिप्पलाद को दीक्षित किया। बालक ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांगा कि वह जिसे भी देखेगा भस्म कर दे। तब उन्होंने शनि देव को भस्म करना चाहा, पर ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने केवल ब्रह्मदंड मारकर शनि जी को छोड़ दिया। ब्रह्मदंड के कारण शनिदेव का पैर टूट गया और इससे शनिदेव धीरे चलने लगे। साथ ही उन्होंने एक वर मांगा जिसमें उन्होंने कहा कि इस पीपल ने मुझे पूरे जीवन बड़ा किया, मेरी रक्षा की। आज के बाद से जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा, उस पर जल चढ़ाएगा, उसे शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। आज भी शनि के कुछ उपाय स्वरूप यही बताया जाता है कि सुबह सुबह जाकर पीपल को जल दीजिए अथवा शाम के समय पीपल के पास तेल का दिया जलाइए। दोस्तों, ये उपाय थे जो कहानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिए गए और लोगों ने इसे मान लिया, जिससे जब भी शनि की दशा महादशा आई, व्यक्ति ने उस पौराणिक उपाय को किया और उसको लाभ मिला। इसके अलावा शनिदेव के कुछ और उपाय भी हैं, जैसे उनका मंत्र जाप। प्रत्येक दिन आप चाहें तो शनिदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे उनका एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 108 बार नियमित जपेंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी तरह उनका एक मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। यह भी आप 108 बार जप सकते हैं। उनका एक पौराणिक मंत्र भी है, ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अर्थात जो नीलांजन यानी नीले रंग के समान है, रवि के पुत्र हैं, यमराज के भाई हैं, छाया के गर्भ से पैदा हुए हैं, मार्तंड यानी भगवान सूर्य का एक नाम है, से उत्पन्न होने वाले शनि देव को मैं प्रणाम करता या करती हूँ। ये वैदिक मंत्र है। हालांकि ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन ये लंबे समय तक काम करता है। शनि देव का एक उपाय है जो आपको अमावस्या के दिन जरूर करना है, जिसे हम लोग बोलते हैं छायादान। आपको करना क्या है कि एक पात्र में थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है और उसमें अपनी परछाई देखनी है। परछाई देखने के बाद यह तेल या तो किसी शनि मंदिर में दान करवाइए या फिर अगर कोई शनि का दान लेने वाला मिल जाए तो उसे दे देना चाहिए। इससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी समस्याएं दूर करते हैं। धतूरे की जड़ का उपाय किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है, तो यदि किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है, शनि की दशा या महादशा है, या आप शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो धतूरे की जड़ को शनिवार के दिन शनि की होरा में या फिर शनि के नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग नीलम नहीं धारण कर सकते, वह धतूरे की जड़ धारण कर लें तो उनको नीलम जैसा ही लाभ मिलता है। एक और उपाय है जो किया जा सकता है। सात मुखी रुद्राक्ष भगवान शनि से संबंध रखता है। इसे आप गंगा जल में धोकर शनिवार के दिन या शनि अमावस्या के दिन अपने कंठ में या हाथ पर धारण करें। इससे शनि से मिलने वाले कष्टों में राहत मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।